Hi, now we are going to discuss about dowry prohibition officers. Dowry prohibition officers के ऊपर कई बार question आता है paper के अंदर. Dowry prohibition officers वो officers होते हैं जो dowry की जो प्रथा चल रही है होती है हमारे देश में कहीं ना कहीं छुपके से या कैसे भी, तो उसको रोकने का काम इनका होता है. These are the government's officials who are appointed by state government to control the problems of dowry. Dowry के जो acts हैं उनको रोकने के लिए dowry prohibition officers को appoint किया जाता है state government के through officially. तो section 8B of Dowry Prohibition Act 1961 हमें बताता है Dowry Prohibition Officers के बारे में. डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, बहुत सारे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, ऐसा नहीं कि एक या दो, बहुत सारे अपॉइंट करते हैं. एज इट थिंक्स फिट एंड स्पेसिफाई द एरियाज इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच दे शैल एक्सरसाइज. किस एरिया में स्पेसिफिकली जाके काम करना है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन उनको बताते हैं, उनका पावर उनको बताते हैं, और इस एक्ट में सब कुछ मेंशन होता है. इसके अलावा हर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दिए जाते हैं. उसके फंक्शंस एंड पावर्स वो क्या हैं? सबसे पहला, टू कलेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट द पर्सन हु कमिट्स ऑफेंसेस. उन लोगों की जानकारी इकट्ठी करना जो डाउरी दे रहे हैं या ले रहे हैं, उन लोगों की डाटा निकालना. नंबर टू, टू प्रिवेंट गिव एंड टेक ऑफ डाउरी. लोगों को डाउरी देने और लेने दोनों चीज़ों से रोकना, उसे वो आगाह करना भी इनके रोल में आता है. टू सी द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट कंपाइल्ड विद, और इस एक्ट में जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं डाउरी को लेके, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और बताना. कहने का मतलब ये है, ये वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम होता है डाउरी के इस बकवास एक्ट प्रथा को रोकना, और इसके ऊपर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करना, पनिश करवाना उन लोगों को जो इस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं. पहले उनको रोकना, समझाना, पहले उनका डेटा, पनिशमेंट तक भी दिलवाना इन्हीं का काम होता है. तो दीज आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हु आर इलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. थैंक यू.